नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अपूर्व और आप देख रहे हैं मोटो यात्रा। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं थंडर और क्लासिक का क्विक कंपैरिजन करेंगे कि दोनों बाइक में क्या डिफरेंस है और कौन से ऐसे नए फीचर्स हैं जो आपको थंडर में मिलते हैं और क्लासिक में नहीं मिलते हैं, और दोनों बाइक का जो फील है, इनिशियल जो इंप्रेशन है, वो देखते हैं कि कैसे है। सो फ्रंट से शुरुआत करते हैं। ये वाला जो वेरियंट है क्लासिक का, मेरे पास वो रिडिच वेरियंट है और इस तरफ जो खड़ा है ये क्लासिक का वर्जन है। तो अलॉय व्हील्स तो आपको दोनों वेरिएंट में मिल जाएगा, अलॉय व्हील्स का कोई दिक्कत नहीं है। बट टायर साइज की जहाँ बात आती है ना, तो हंटर का टायर साइज थोड़ा बड़ा दिखेगा, क्लासिक का जो है थोड़ा कम है, बिकॉज ये 110 सेक्शन का है और ये जो टायर है ये आपको मिलता है 100 सेक्शन का। तो एक बार फिर भी कन्फर्म कर लेते हैं, 100x90 and 19 inch का टायर है, हंटर का जो है 110x17 inch का टायर है। सो ये एक मेजर इफेक्ट हो गया, चेंजेस हो गया दोनों बाइक्स के अंदर। फ्रंट से आप देखेंगे तो ये जो है सस्पेंशन जो है इसके थोड़े कवर किए गए हैं और ये थोड़े मॉडर्न वाले सस्पेंशन आपको देखेंगे जो मीटियोर के अंदर आपको मिलते हैं, जबकि क्लासिक में जो है वही ऑलरेडी जो ओल्ड सस्पेंशन आते हैं वही सस्पेंशन दिखेंगे। सो क्लासिक जो है थोड़ी रेट्रो लुक वाली बाइक है, वहीं पे हंटर जो है वो एक मॉडर्न लुकिंग वाली बाइक है। इंडिकेटर्स दोनों बाइक्स के एग्जैक्टली सेम हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की हाइट में डिफरेंस। दोनों सेम जगह पे खड़ी हैं और दोनों का जो हाइट है वो एग्जैक्टली सेम है, तो क्लासिक थोड़ी सी जो है इससे ज़्यादा ऊँची है। वहीं पर इधर से आप कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट जो है हल्का सा डिफरेंस है, बिकॉज हंटर की सीट हाइट 800 mm की है और इसकी जो सीट हाइट है 805 जो है क्लासिक की सीट हाइट है। सो ओनली 5 mm का डिफरेंस है। बाकी अगर यहाँ से अगर अपन दोनों बाइक्स को देखते हैं तो कुछ ऐसी दिखती हैं, बटन जो है एग्जैक्टली यही बटन जो हैं आपको इस तरफ दिए गए हैं, वही हेजार्ड लैंप आता है, वही सेम रेट्रो स्टाइल वाले बटन्स दिए गए हैं। इसका जो है स्पीडोमीटर पे छोटा सा डिस्प्ले आता है, बाकी यहाँ पे ओवरऑल एक आपको ओल्ड वाला डिस्प्ले दिखता है। इस तरफ अगर आप क्लासिक में देखते हैं तो वही बटन्स हैं, सेम ऐसा कैसा है आपको यहाँ पे हंटर में भी दिखेगा कि वही बटन्स एग्जैक्टली सेम दिए गए। इसका जो मीटर है वो थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया गया है कि इसमें डिस्प्ले दिया गया है। ट्रिपोर जो है वो हंटर के किसी भी वेरिएंट में नहीं आएगा, एज एसेसरीज आप एक्स्ट्रा पे करके 5K पे करके आप वो लगवा सकते हैं। दूसरा फ्यूल टैंक है जो 13 लीटर का है, थोड़ा ग्राफिक्स न्यू है, ये मैट फिनिश कलर है और यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की जो बैजिंग है ये रॉयल लिखा हुआ है और आई थिंक इस तरफ जो है एनफील्ड होगा, तो ये एक बैजिंग का डिफरेंस है। इसके अलावा हंटर में जो चार्जर दिया गया है यहाँ पे, ये चार्जर इसमें आता ही है और ये जो है चीज़ अब रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक में भी दे दी है, तो क्लासिक में भी आपको ये चार्जर यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर से ही हैं। तो कोई इंजन ऑलरेडी टेस्टेड है, इसके अलावा चेचिस वही चेचिस है जो मीटियोर में आपने देखा है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रिट्यून करके बाइक को थोड़ा कॉम्पैक्ट बना के ये मार्केट में लॉन्च किया गया है। फ्रंट फेंडर जो है ये प्लास्टिक का है, इस तरफ आपको मैटर मिलता है, ये एक डिफरेंस दिया गया है। इस वजह से जो है इसका जो वेट है 177 kg है, वहीं पे क्लासिक का 195 kg वेट है। सो वो जो है एक थोड़ा सा हायर साइड पे है। टायर साइज जो है 140/70/17 inch का है, 140 सेक्शन का टायर है तो काफ़ी ब्रॉड लगता है। इस बाइक को राइड करेंगे तो आपको एक जो है अच्छी रोड पे ग्रिप देगा ऑन हायर स्पीड, वहीं पे क्लासिक में जो है 120 का टायर साइज मिलता है। देन हंटर का जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी छोटा कर दिया गया है, तो वो एक यहाँ पे जो है वजन जो है कम हो गया उसकी वजह से, जबकि क्लासिक में काफ़ी बड़ा आता है। एक बार मैं इस वाली क्लासिक का भी टायर साइज चेक कर लेता हूँ। आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है इसका जो टायर है 120 सेक्शन का है, तो 120 और इसका 140, वो चीज़ एक बड़ी थोड़ा सा आपको ग्रिप मिलेगी। रियर में जो है इसके अंदर भी इंडिकेटर तो सेम ही है और ये बैकलाइट है, ये आपको LED है, जबकि क्लासिक में LED नहीं आती है। और रियर मड गार्ड है, ये अगेन प्लास्टिक है, तो यहाँ पे वजन कम हो गया बाइक का और इधर ये मेटल दिया गया है। लाइट की बात करें ना, तो हंटर में ये एक DRL दिया गया है और जबकि क्लासिक में ये वाले DRLs ओल्ड जो लुक वाले आते हैं वही दिए गए हैं। एक बार मैं इसको हाई बीम भी देख लेता हूँ, हाई बीम के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा बाइक को। सो कुछ ये इस तरह की लाइट है, ये जो चीज़ें हैं ना दोनों की लाइट में डिफरेंस है। बाकी एक बार जो है ना क्विकली दोनों का एग्जॉस्ट नोट का डिफरेंस भी देख लेते हैं कैसा है। पहले मैं आपको क्लासिक का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ कैसा है।
ये क्लासिक का एग्जॉस्ट नोट है। थोड़ा सा मुझे जो थंपिंग जो है, एक बार इसको सुनने के बाद बताता हूँ क्या डिफरेंस लग रहा है। जो थंपिंग जो थोड़ी सी ज़्यादा फील हो रही है ना, वो थंपिंग हंटर की थोड़ी सी हैवी एग्जॉस्ट नोट है। बाकी फुटरेस्ट की बात करें तो फुटरेस्ट जो है एग्जैक्टली इसके फुटरेस्ट जो है थोड़े से पीछे की तरफ सेट किए गए हैं, जबकि इसके फुटरेस्ट क्लासिक के थोड़े आगे की तरफ दिए गए हैं। और बाकी यार मतलब बाइक की लेंथ की बात करते हैं तो दोनों के जो मैंने सेंटर स्टैंड है वो एग्जैक्टली बीच में इनको पार्क किया है कि एकदम जो है बराबर डिस्टेंस, आप इधर से भी देखोगे तो आपको एकदम बराबर लगेगी डिस्टेंस। अब इतनी ज़्यादा कोई शॉर्ट बाइक नहीं लगती है कि लगे कि हाँ यार ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट बाइक है। हल्का सा जो है यहाँ से दिख रही है कि ये यहाँ पे है और वो बाइक जो है, इतना सा डिफरेंस है। 1390 मिलीमीटर का तो क्लासिक का व्हील बेस है और हंटर का जो है 1370 मिलीमीटर का है। तो ऐसा दोनों को आप देखोगे तो इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं लगेगा कि ना हाँ यार कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर दिया दोनों बाइक्स के अंदर, और कि आपको लगे कि वो छोटी बाइक लग रही है। मुझे किसी भी एंगल से इतनी ज़्यादा कोई विजुअल डिफरेंस नहीं लग रहे हैं, बस ये लग रहा है कि ये थोड़ी सी मॉडर्न लुकिंग वाली बाइक है। क्लासिक जो है थोड़ी आपकी पुराना या रेट्रो जो क्लासिक कह सकते हैं, ओल्ड स्कूल डिज़ाइन है वो वाली बाइक है। तो यही डिफरेंस दोनों बाइक में मुझे देखने को मिल रहा है। कीज़ एग्जैक्टली सेम मिलती हैं दोनों बाइक्स में, ये हंटर की कीज़ है और ये क्लासिक की कीज़ है। दोनों बाइक्स में कीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम आपको कीज़ मिलेंगी। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सीट की जो कुशनिंग है, मुझे थोड़ी सी जो सीट की कुशनिंग है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक, क्लासिक की थोड़ी सी बेटर है कुशनिंग, इसकी जो है थोड़ी हार्ड साइड में है। तो ये सब चीज़ें जो है दोनों बाइक्स के अंदर डिफरेंस हैं। सो ये था दोनों बाइक्स का डिफरेंस, मोटे मोटे तौर पे कि दोनों बाइक्स में ये डिफरेंस मिलता है। तो भाई ये उन लोगों के लिए बाइक है कि जिनको एक ऐसी मॉडर्न लुक वाली बाइक चाहिए, जिनको सिटी में कम्यूट करने में थोड़ी इजी हो और उनको लगे कि हाँ हाँ कि ठीक है यार कि मैं सिटी कम्यूट करूँगा, थोड़ा बहुत वीकेंड राइड्स कर लूँगा, तो ये उन लोगों के लिए अच्छी रहेगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको यहीं पर दिख रही होगी, आप मुझे वहाँ पर जाके भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके हर मैसेज और कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी मिलता हूँ उसे मेरे एक और नए वीडियो में।